गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 8. इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट द व्हाट इज कंबस्टन. ओके, हाउ डू वी कंट्रोल फायर. टुडे आई विल टीच यू टाइप्स ऑफ कंबस्टन. टाइप्स ऑफ कंबस्टन कितने तरह के होते हैं. ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन. टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप जलती हुई मोमबत्ती या लाइटर गैस के पास ले जाइए और गैस को थोड़ी देर के खुला छोड़ दीजिए. क्या होता है. वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. गैस जो है वो जलेगी और प्रोड्यूस करेगी हीट को, गर्मी और ज्वाला को और लाइट को. सच कंबस्टन इज नोन एज ए रैपिड कंबस्टन. देयर आर सबस्टेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. कभी कभी कुछ ऐसे सबस्टेंसेज जैसे फॉस्फोरस है जो कि हवा में ही जल जाता है एज ए रूम टेम्परेचर पर. द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्न्स इन टू ए फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरियंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. स्पॉन्टेनियस कंबस्टन किसको कहते हैं. एक ऐसा कंबस्टन जिसमें मटेरियल अचानक जल जाता है फ्लेम से विदाउट बिना किसी कॉज के, बिना किसी कारण के. तो ऐसे कंबस्टन को स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहते हैं. वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इमल्शन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड. जैसे पटाखों को हम जलाते हैं तो क्या होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स. पटाखों को हम जलाते हैं, जब जलाते हैं तो एक बैग बहुत तेज क्या होता है, हीट होती, गर्मी, लाइट एंड साउंड होता है. तो इस प्रोसेस को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, फ्लेम, ज्वाला. ऑब्जर्व ए एलपीजी फ्लेम. आप कभी एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करिए. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम. क्या उसके कलर को आप बता सकते हैं. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम. और क्या कैंडल फ्लेम को आप बता सकते हैं किस कलर का. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th. इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ. उसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था क्लास 7th में, उसके एक्सपीरियंस को देखा था. तो क्या देखा था. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ए फ्लेम और नॉट. रिकॉर्ड करिए ऐसे ऑब्जर्वेशन को जो जलते हैं, जो फ्लेम देते हैं और जो फ्लेम नहीं देते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम. अब स्ट्रक्चर क्या है फ्लेम का. द सबस्टेंसेज विच सॉरी एक्टिविटी 6.5. लाइट ए कैंडल होल्ड 4.4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग एंड इंट्रोड्यूस इज वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. डू यू सी ए फ्लेम कट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल. इफ सो वॉट इज दैट प्रोड्यूसिस ए फ्लेम. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली. द सबस्टेंसेज विच वेटराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम. चारकोल ऑन द अदर एंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम. इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ ए ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस. कभी कभी आप कैंडल को लीजिए और उसके ऊपर शीशे का मतलब ग्लास एक रखिए और थोड़ी देर बाद उसको जलने दीजिए कैंडल से नीचे, तो आप देखेंगे कि उस पर एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा. वेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इन टू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टंग फॉर अबाउट 10 seconds देन रिमूव. वॉट डू यू ऑब्जर्व. ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड. इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. होल्ड ए तो वो जो काला आपको रिंग दिखाई देता है वो किस चीज़ का, कार्बन का बना होता है. होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 seconds. नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम. गोल्डस्मिथ व्हाट इज ए फ्यूल. अब ये आपने देखा कि क्या है.
जैसे आप कैंडल को आप जलाएंगे तो स्ट्रक्चर 6.13 में देखिए दिया हुआ ना एक कैंडल, तो ये आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन ब्लू कलर दिखाई देगा। उसके अंदर हॉटेस्ट पार्ट है, मॉडरेटली हॉट है। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्टन वो आपको येलो दिखाई देगा, मॉडरेटली हॉट, लीस्ट हॉट। इनर मोस्ट जोन जो अनबर्न वैक्स वेपर आपको दिखाई देगा वो लीस्ट हॉट है, मतलब कम होता है वैक्स कैंडल। वॉट इज़ ए फ्यूल, ईंधन क्या है। रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन एक्सेट्रा। दीज सबिस्टेंसेज इज आर कॉल्ड फ्यूल्स। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न्स ईजली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूसेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजरेबल सबिस्टेंसेज। फ्यूल यानी ईंधन। हम ईंधन, बहुत सारे ईंधन के साधन हमने देखे हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं, जैसे लकड़ी है, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब क्या है, हमारे ईंधन ही हैं। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही बेटा काफ़ी है आप लोगों के लिए। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।